उदयपुर जिले के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक प्रीति शक्तावत के अथक प्रयास से एवं मेवाड़ की इंदिरा गांधी कहलाने वाली प्रथम महिला विधायक ने जनता को दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए बजट भाषण में राजकीय महाविद्यालय कोराबड़ में खोलने की घोषणा की। दरअसल कोराबड़ ब्लॉक के लंबे समय की मांग अब विधायक ने पूरी कर ली है। इस पर कोराबड़ ब्लॉक में खुशी की लहर छा गई। पंचायत समिति के नेता प्रतिपक्ष नवल सिंह चुंडावत व कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों व लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत का आभार जताया। मैं कोराबड़ पंचायत समिति की तरफ से हमारी आदरणीय विधायिका श्रीमती प्रीति शक्तावत को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उनके अथक प्रयास से जो उन्होंने वादा किया था कोराबड़ पंचायत समिति में एक महाविद्यालय की जो लंबे समय से मांग थी उसको आदरणीय जननायक अशोक जी गहलोत के द्वारा आज घोषणा करवा दी। मैं अपने पंचायत समिति पूरे क्षेत्र की तरफ से, कोराबड़ की जनता की तरफ से, मेवल क्षेत्र की तरफ से, टीएसपी क्षेत्र से उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आदरणीय विधायक महोदया का और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का, क्योंकि ये जो टीएसपी क्षेत्र है यहाँ पे लोग गरीब हैं, वो बेचारे उदयपुर जाके नहीं पढ़ाई कर सकते। कई लोग बालिकाएं जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है पढ़ाई में लेकिन वो पूरा उदयपुर जाके अपना खर्चा नहीं कर पाते, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है कोराबड़ के लिए कि जिन्होंने पहले तहसील की घोषणा करी, बम्बोरा में सीएससी की घोषणा करी, कोराबड़ में महाविद्यालय की घोषणा करी और जगत में पुलिस चौकी की भाभी सागर ने, और जो सीएम साहब का विचार है कि वो घोषणा जल्दी होने वाली है। मैं इस मौके पे पूरी जनता की तरफ से आज बड़े ही खुशी का विषय है, गाँव के अंदर पटाखे चल रहे हैं, लोग मिठाई बांट रहे हैं। मैं मेरी तरफ से कोराबड़ पंचायत समिति की तरफ से आदरणीय भाभी सागर का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।